सब्सक्राइब कीजिए एसएन चौधरी के इस चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट पेंटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हम लोग आईज यानी आंख की बनावट कैसी है, कैसे बनाया जाए जो बनाने में आसान हो जाए। मैंने आपको सिखाना है कैसे बनाइएगा जो आसानी से बने। तो सबसे पहले क्या करना, अगर बनाने में दिक्कत है स्टार्ट में, एक लाइन ले लीजिए, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे दोनों तरफ कर्व कर दीजिए लाइन को, तभी बना लीजिएगा। इस लाइन को थोड़ा दबा के यहाँ से एक सर्किल डाल दीजिए, इसके अंदर एक सर्किल डाल दीजिए, सर्किल के अंदर सर्किल हो जाएगा ये, ऊपर से डबल लाइन, फर्स्ट सर्किल सेकेंड सर्किल, एक लाइन दो लाइन, फिर ऊपर साइड पे। स्टार्ट में आप ऐसे बनाएं और आपको आसानी होगी, फिर जब बनने लगे ये सब तब डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट बनाइए ऐसे। ये तो डबल लाइन आपने पहले भी किया था, यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर भी एक पतला सा लाइन कर दीजिए और जो करते आए हैं वो कर लीजिए। इसमें कहीं कहीं हाईलाइट होता है, आप वो भी दिखला सकते हैं। फिर से आईब्रो हो गया, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप हो गया। जब इतना आपको आ जाए फिर इससे भी आगे करना है आपको। फिर अपोजिट साइड से बनाना है आपको, वही है, थोड़ा सा दिशा बदल जाएगा। और हम लोग एक दो इधर से ही बना लेते हैं। इस प्रकार से जब बनने लगे आपसे आसानी से, प्रॉब्लम कहाँ आपको आएगी स्टार्ट करने, स्टार्ट कैसे करना था, हल्का सा लाइन ले लीजिए, सीधा ले लीजिए ऊपर और नीचे कर लिए और यहाँ हो जाएगा सर्किल, इसके अंदर सर्किल, ये भी आई बॉल का शेप और ये लाइन, फिर ये थोड़ा सा यहाँ भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें शेड कैसे करें, तो शेड करने के सबसे पहले आपको समझना होगा कि आई बॉल बनाने में दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है जिन लोगों को, तो प्राइमरी स्टेप आप कैसे बनाएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। एक आप सर्किल बना लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, सर्किल बन जाएगा आपको तो इसके अंदर भी एक सर्किल बना लीजिए और ऊपर से शेड कीजिए, क्योंकि ऊपर पार्ट क्या होता है ये, इसका छाया इसके अंदर आएगा और इस पर चूंकि बाल सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ क्या होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका डार्क हो जाएगा। कैसे बनाएंगे हम लोग और धीरे धीरे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर शेड करते चले जाएंगे, बढ़ाते जाना मात्रा। आप लाइन के बीच में इतना कम गैप छोड़िएगा उतना ज़्यादा डार्क होगा। पेंसिल का नंबर बढ़ाइएगा, HB से शुरू होता है 10B तक, तो जितना नंबर बढ़ेगा ग्रेफाइट का मात्रा बढ़ेगा और वो पेंसिल उतनी ही डार्क होगी। तो अब इसके बाद क्या करें, इसको भी डार्क करना है हम लोग। आई बॉल में क्या होता है, ये जो पार्ट्स होता है ना वो डार्क होता है और ये भी क्या होता है, ये डार्क होता है। तो पहले क्या करना, हल्का पेंसिल आप ले लें नंबर इसे, और डार्क करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पेंसिल का नंबर बदल लेंगे, बदल सके क्या है आसानी से, ये इससे ज़्यादा डार्क
हो जाएगा। अगर इच्छा करें जब आपका नियंत्रण हो जाए फिर यहाँ पे आप हाईलाइट भी छोड़ सकते हैं। हाई पर छोड़ना हो तो फिर क्या, इसको बचा के आपको शेड करना पड़ेगा ताकि ये शाइन करे। आईबॉल हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली एक आईज बना के उसमें शेड करते हैं। तो सबसे पहले हम आईज बनाते हैं। प्रकार से बना रहे हैं, ये डबल लाइन हो गई, इसका ये ऊपर का डबल लाइन हो गया, नीचे का हो गया और यहाँ हो जाएगा आई बॉल, ये हो जाएगा हाईलाइट का पोजीशन इस प्रकार से। स्टार्ट जब भी करना है तो लाइट हमारे पास कौन सा है, 2B से कर सकते हैं, 4B से कर सकते हैं, जिससे आपका नियंत्रण ज़्यादा अच्छा पड़ता है, करना आपको है। और बहुत सारे वीडियो देखा है हमने, उसमें क्या होता है जनरली जो इतना फास्ट लोग चलाते हैं जो समझ में शायद नहीं आता है स्टार्ट करने वाले को, खासकर जब शुरुआत करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता, पहले बनाए कैसे, जब बने लगे सेट कैसे होती है। इसलिए मैंने बहुत ईजी प्रोसेस में शुरू कराया है आपको। हो गया, इसका शेड यहाँ पे आ गया, इसके अंदर का पार्ट है ये शेड जो हो गया इस प्रकार से बन गया। फिर इधर से थोड़ा थोड़ा शेड कर देंगे, जैसे जिस एंगल से आपको सुविधा हो उस हिसाब से शेड कीजिए। तो बहुत सारा मटेरियल्स आ गया जिससे आपको बहुत सहूलियत, पहले समय में बहुत दिक्कत था, इतनी सुविधाएं नहीं थी पहले के समय में, इतनी सुविधाएं अभी मार्केट में मिल रही है। मटेरियल से बहुत सारा चीज आप एक्स्ट्रा और नड़ी बना सकते हो। करने के बाद जब हो जाए आपसे तो आप ये पेपर स्टैम्प था कल बताया था मैंने, इससे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दें, या आप इससे भी कर सकते हैं जिससे आपको सुविधा हो, जिसका पॉइंट थोड़ा कम हो, क्योंकि आईज में क्या होता है डिटेल ज़्यादा करना होता है और जगह के अकॉर्डिंग कम मिलता है। इस हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अनुमान लेके, ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से आप सेट करें। और फिर पेपर से कर सकते हैं, कॉटन से कर सकते हैं, जिससे सुविधा, बहुत सारे लोग तो ऐसे यहाँ से ही मिक्स कर लेते हैं, जिसको जैसे सुविधा हो आप वैसे इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या करें, हम लोग नंबर बढ़ाएंगे पेंसिल का, तो क्या हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा थोड़ा सा, इसके अंदर के भाग को सबसे पहले डार्क कर देगा। फिर ये लाइन है, इसका शेड जो है, तो धीरे धीरे हाथ को ढीला कीजिएगा तो ऑलरेडी लाइट होने लगेगा इस प्रकार से। ये क्या करेंगे, आउटलाइन थोड़ा डार्क होता है, ये इस लाइन को थोड़ा थोड़ा डार्क कर लें। आईब्रो में थोड़ा थोड़ा
लाइव के माध्यम से लो। जैसे जैसे सुविधा हो आप उसके अकॉर्डिंग से अपना ये जरूरत के हिसाब से जितना आराम से कीजिएगा उतना अच्छा बनेगा। और फिर इससे आगे का नंबर भी निकालते हैं, ये हो जाएगा 10B। 10B से और डार्क होगा, तरीके से हम लोग आइज को सुंदर सुंदर बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। प्रकार से आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जरूरत हुआ फिर आगे क्लास में हम लोग शेयर करेंगे इस बात को और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। तत्काल के लिए इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, स्टार्ट करने के लिए आप बनाइए और आगे क्लास में नाक कान वगैरह का भी अलग से शेड्यूल बनाइए।